दसवीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी, उसके बाद मुझे ये विभाग मिला। और जैसे ही पहले दिन मैंने एम्स का दौरा किया और वहाँ की हालत देखी तो मुझे लगा कि सरकारी क्षेत्र में टर्शरी केयर का ये हाल है। उसी दिन मैंने डेटा मंगवाया कि कहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ, चिकित्सा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों के नाम जोड़े, तो उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, ये 6 एम्स छांटे और 6 दूसरे अस्पतालों को एम्स के तर्ज पर अपग्रेड करने की बात की। और मैं लेकर चली गई अटल जी के पास कि अटल जी, मैं चाहती हूँ कि 6 एम्स बनाऊँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा, 56 साल में 1 एम्स बना, मैं 1 साल में 6 एम्स बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, 1 साल में 6 एम्स बना सकती है। मैंने कहा, लेकिन प्लानिंग कमीशन आड़े आ रहा है, वो कहते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, 4000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, नए सिरे से कैसे हम लोग मान लें। पंत जी, केसी पंत प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। मैंने कहा, अटल जी अगर आप चाहते हैं कि ये बने तो आपको एक फ़ोन करना होगा केसी पंत को। उन्होंने मेरे सामने उठाकर फ़ोन किया और कहा कि सुषमा, एक बहुत बड़ा सपना लेकर आई है, बहुत अच्छी योजना है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा, 10वीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि 5 साल सपने देखना बंद कर दें, 5 साल नई योजनाएं नहीं आएंगी। इसे ये विभाग उसके बाद मिला है, आप इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दीजिए, बजट हम दे देंगे। और मुझे उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया। जसवंत सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये 6 राज्य में मैं ये बनाना चाहती हूँ। तो बोले, राजस्थान में जोधपुर में बनाओगी? मैंने कहा ज़रूर बनाऊंगी। तो बोले, लो बजट हेड क्रिएट कर दिया, आगे बढ़ो और ये 6 एम्स बनेंगे। कभी भी वो बनेंगे, वो 6 एम्स लिख दिए गए मेरे नाम। मैं INB मिनिस्टर थी, मैंने देखा कि कौन से फैसले पेंडिंग हैं। 40 साल से फिल्म वाले फिल्म को इंडस्ट्री कहने की मांग कर रहे थे और फिल्म को इंडस्ट्री ना होने के कारण से बैंक उन्हें पैसा नहीं देते थे, अंडरवर्ल्ड से उन्हें पैसा लेना पड़ता था, वो मजबूर थे। मैंने उसी दिन कहा कि अच्छी फिल्म और अच्छे धन का बहुत सीधा रिश्ता होता है, अगर बैंक से पैसा मिलेगा तो अंडरवर्ल्ड के शिकंजे से फिल्म वाले निकल जाएंगे। जब फिल्म वालों का प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया, मैंने कहा 30 दिन के बाद कार्यक्रम रख लो, मैं इसको इंडस्ट्री घोषित करने का नोटिफिकेशन लेके आऊँगी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि 40 साल से ये मांग चली आ रही, नहीं हुआ, और आपने कहा कि आप 30 दिन में कर देंगी। तो यश चोपड़ा उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा आप इस मेटल को जानते नहीं, आप रखिए कार्यक्रम। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 30वें दिन कार्यक्रम हुआ और बम्बई के लीला होटल में मैं नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर गई थी और फिल्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया था। आज ये जो मीडिया बूम आपको देश में दिख रहा है, ये केवल मेरे एक फैसले का काम है। इंडिया से अपलिंकिंग अलाउड नहीं थी, केवल डाउनलिंकिंग अलाउड थी। जो कंपनियां थी उनके लोग हर समय जहाज में बैठते थे अपलिंक कराने के लिए। कहाँ से अपलिंक होता था? थाईलैंड, मॉस्को, हांगकांग, हर समय उनका एक व्यक्ति बैठा रहता था। तो कहते थे हम न्यूज़ चैनल तो चला ही नहीं सकते, क्योंकि जब जाकर अपलिंक होगा तब तक न्यूज़ बासी हो चुकी होगी। तो मैंने कहा इसके पीछे मुझे कारण तो बताओ। बोले कि नहीं, अपलिंक होगा, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ ये लोग दिखाते रहेंगे। मैंने कहा उल्टा, डाउनलिंक जब आप करते हो तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्टेंट बाहर से आ रहा है, आपका कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं है। कितना मॉनिटरिंग करवाओगे बैठा कर? लेकिन अगर अपलिंक करते हो तो आप अपना कोड बना सकते हो, आप चैनल को बंद करवा सकते हो। मुझे समझ नहीं आती कि इतना बेहुदा काम क्यों। एक महीने में मैंने इंडिया से अपलिंकिंग अलाउ की थी और ये पूरा मीडिया बूम, जो लाखों लाख लोग आज मीडिया में लगे हैं और उनको रोज़गार मिल रहा है और भारत एक हब बन गया है, ये उस फैसले का। मैं ऐसे 20 उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन केवल उल्लेखनीय 2 उदाहरण, 2 अलग विभागों के अगर आपको दिए तो मैं जिस लिए कि याद की जाओगी फैसलों के लिए, फाइलें निकालने के लिए नहीं। इसलिए पहले तय करो कि ये दायित्व मुझे मिला है, इसमें मैं ये 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 कर सकती हूँ, तुरंत तुरंत फैसले लो।
अधिकारी बहुत आड़े आएंगे, बहुत माथा पच्ची करनी पड़ेगी। ये जो मैं 10 महीने में 6 एम्स को यहाँ तक पहुँचा पाई, उसका भी राज बता दूँ। मैंने अपने कमरे में 1 घंटा डेडिकेटेड रख दिया था हर रोज़, उसका नाम था एम्स आर, 3 से 4। रोज़ 3 से 4 एम्स आर के अंदर हर अधिकारी मेरे पास आकर बताएगा कहाँ की ज़मीन की प्रोग्रेस क्या है, कहाँ चीफ मिनिस्टर से बात होकर के ज़मीन ले ली गई है, कहाँ हमें शिलान्यास के लिए कौन सी तारीख तय करनी है। हर दिन की प्रगति मॉनिटर करती थी मैं, एम्स आर था वो 3 से 4, हर दिन प्रतिदिन। और सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे वो 3 से 4 में आते थे और उसे 1 घंटे में बात करते थे। लोगों को ये मालूम था, अधिकारी डिले कर ही नहीं सकते थे कि अगले दिन बताना है, तो 24 घंटे में कुछ ना कुछ करके जाना है तो अगले दिन मैडम को बता पाएंगे। तो स्पीड बहुत बड़ी है, केवल फैसला ले लेना और उसको कागज पर रख देना, नीचे ना उतरवा पाना, उससे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो सुशासन और सशक्तिकरण की बात जब हम करते हैं, महिला सशक्तिकरण तो आप सबका एक लक्ष्य है ही, आप राज्य महिला आयोग में हैं तो भी महिला सशक्तिकरण आपका लक्ष्य है, समाज कल्याण बोर्ड में है तो भी आपका महिला सशक्तिकरण लक्ष्य है, और महिला बाल कल्याण मंत्रालय संभाल रही हैं या स्कूल संभाल रही हैं तो भी महिला सशक्तिकरण आपका लक्ष्य है। लेकिन उसके लिए आप अपने माध्यम से क्या क्या कर सकती हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों के माध्यम से जो जो आप कर सकती हैं, उन फैसलों की सूची बनाइए, वो फैसले लीजिए और उन फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए उसमें स्पीड डालिए। उसके बाद ये सशक्तिकरण में आपको स्वयं को एक आत्मसंतोष का अनुभव होगा, धीरे 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 जैसे करते जाएंगे। ये ठीक है कि ये सब होने के बाद भी अगर राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं है तो महिला के पास अथॉरिटी नहीं है, और ये हमने स्वयं देखा है कि असली शक्ति राजनीतिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से आती है। लेकिन मुझे खुशी है कि सभी भाजपा शासित राज्यों ने जो 33% आरक्षण केंद्र के द्वारा दिया गया था पंचायती राज में, उसे भी भाजपा शासित राज्यों ने बढ़ाकर 50% कर दिया। आज हर दूसरे गांव की महिला सरपंच महिला है, हर दूसरे जनपद की अध्यक्षा महिला है, हर दूसरी नगर पालिका की अध्यक्षा महिला है, हर दूसरे कॉरपोरेशन की मेयर महिला है, क्योंकि 50% का आरक्षण है। और ये आरक्षण केवल सदस्यता में नहीं है, ये हेडशिप में भी है, मुखिया में भी है। इसीलिए लाखों बहनें सरपंच बनी है, नगर पालिका अध्यक्ष बनी है, मेयर बनी है, यहाँ भी बहुत आई। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र की 2 अध्यक्षाएं नगर पालिका की बैठी हैं, पूर्णिमा जैन और मंजू धीरेन्द्र कुशवाहा। हर दूसरी नगर पालिका, हर दूसरा कॉरपोरेशन, हर दूसरा गांव, तो निर्णय प्रक्रिया में है आप। राजनीतिक सशक्तिकरण का जहां तक सवाल है, वो असली सशक्तिकरण इसलिए है कि उसके साथ अथॉरिटी आती है। मैं बहुत बार कहती हूँ, एक आईटी प्रोफेशनल, एक प्रोफेसर, एक किसी कंपनी में काम करने वाली महिला के पास वो ताकत नहीं है जो ताकत एक लेडी एसपी की, एक लेडी चपड़ासी में है। देखी है हमने ऐसी आईटी प्रोफेशनल जिनको महीने के पहले दिन तनख्वाह सास के हाथ में रखनी पड़ती है, जहाँ गुस्से का शिकार होने पर पति से पिटना पड़ता है, लेकिन एक महिला एसपी की महिला पियोन को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी अथॉरिटी उसके बॉस से आती है। उनको लगता है कि अगर तुम कुछ कर दोगे तो तुम्हें जेल के सिंकचों के पीछे डलवा देगी। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं। हम जितने महिलाएं राजनीति में काम कर रही हैं, यहाँ सांसद बैठी हैं, विधायक बैठी हैं, केवल हम नहीं, हमारे साथ जुड़ी हुई बहनें जो काम करने वाली कार्यकर्त्रियां हैं उन तक वो अथॉरिटी जाती है।